हेलो दोस्तों, एक्चुअली बेंगलोर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस बारिश के सीजन में बनाने के लिए दोस्तों मैंने सोचा कि कुछ गर्मा गर्म बना लिया जाए चाय के साथ। पकौड़े तो हमने कई बार खाए हैं दोस्तों, तो आज मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। बहुत दिनों से ये मैंने बनाया भी नहीं था। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बोंडा की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये हरी मिर्ची और चाय के साथ इसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। आइए दोस्तों अभी सिंपल सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। यहाँ लगभग मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल ले लिया है। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी राई डाल दी और थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे। इन दोनों को हम थोड़ा सा सिकने देंगे, जब तक ये थोड़े से जो राई है वो हमारी वो चिटकने नहीं लगे, जिसमें से चिटचिट आवाज़ ना आने लगे, तब तक हम इसको थोड़ा सा तड़काएंगे। इसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। यहाँ पे लगभग मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ते को चॉप करके डाल दिया है, और कड़ी पत्ते के साथ यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डाल दिया है। प्याज यहाँ पे मैंने 1 ले लिया था मीडियम साइज़ का, और इसको मैंने कट करके डाल दिया है। अदरक लहसुन भी यहाँ मैंने किस कर डाल दिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और एक मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची का यूज़ किया है। इन सबको सिकने देंगे। प्याज को एकदम हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ प्याज का जो है कलर चेंज हो, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, उतना हमें इसको इसके सेकना है। जैसे ही प्याज सेक जाएगी, यहाँ पे मैंने कुछ घर के मसाले ऐड कर दिए, जैसे कि मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और इन सबको अच्छी तरीके से सेक लेंगे ताकि ये प्याज और तेल के साथ अच्छी तरीके से सेक जाए। और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे। और यहाँ मैंने 4 से 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये चाय के साथ इसका मज़ा ही आ जाता है, एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखें। और यहाँ पे स्वाद के हिसाब से हम नमक ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मटर यूज़ कर सकते हैं, सफ़ल मटर का यूज़, और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो आलू है वो सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस मैशर की सहायता से दोस्तों हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं पे भी ऐसा नहीं रहे कि आलू थोड़ा बचा हुआ है तो वो बिना मसाले का, जिससे उसमें स्वाद ना आए। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कभी भी आप इवनिंग टाइम पे इसे बना सकते हैं, मॉर्निंग टाइम पे भी बना सकते हैं। बारिश आ रही हो, कभी इच्छा है कि हम कुछ गर्मा गर्म ट्राई करें, और अगर आपको भजिए खाने का मन नहीं है तो इस तरीके से आप आलू बोंडा बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं गरम मसाला यूज़ करूँगी टेस्ट के लिए, इससे जिसका फ्लेवर है जो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हम आमचूर पाउडर डाल देंगे, आप चाहें तो यहाँ पे नींबू डाल सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा धनिया यूज़ किया है। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोस्तों, और हमारा चटपटा आलू का मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसको हम अलग ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारा चटपटा आलू का मसाला बनकर एकदम तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए हमें रख देना है साइड में। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके आलू बोंडा बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा चटपटा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हम थोड़ा सा बेसन ले लेंगे। ये यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप बेसन का यूज़ किया है। क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ हम चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ लगभग मैं 8 से 10 आलू बोंडा बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 कप जितना बेसन ले लिया, 1 से 1.5 कप। और इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दी है, और यहाँ मैंने थोड़ी सी सौंफ का यूज़ किया। इसको हम थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल देंगे, और आप चाहें तो किसी पे कूट के भी डालें, तो इससे इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हींग डाल दी, और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा यहाँ पे हम नमक डालेंगे। नमक आप याद रखें, क्योंकि हमने आलू की स्टफिंग में भी नमक डाला हुआ है। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसमें ऐड करना है, और इसे अच्छा सा बैटर हमें तैयार करना है। आपको एकदम ज़्यादा गाढ़ा बैटर तैयार नहीं करना, ना जाइए एकदम पतला तैयार करना है। नॉर्मल जो कोटेड हो जाए हमारे आलू बोंडा में, उतना हमें अच्छे से इस बैटर को तैयार करना है। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारा जो बेसन का बैटर है वो तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, एकदम ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, तो हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है। अब हम जो आलू है इसके गोल गोल बॉल शेप में इसको आकार दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो हल्का सा इसको चपटा भी कर सकते हैं, कई लोग वैसा भी बनाते हैं। ये देखिए, आलू के जो हम गोल गोल बॉल शेप है उन्हें तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों ये खाने में। एक बार चाय के साथ ज़रूर ट्राई करें गर्मा गर्म।
बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखिए, हमने इस तरीके से गोल गोल बॉल के शेप इनको दे लिए हैं और इस तरीके से हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। अब हम जो अपने आलू का जो बॉल तैयार किए उनको बेसन में डिप करके इस तरीके से फ्राई करेंगे। यहाँ हमें मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, एकदम लो फ्लेम ना रखें, मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे और अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट ये बनकर तैयार हो जाते हैं। चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, इस तरीके से हम पलटते जाएंगे और इन्हें अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हम इन्हें सेक लेंगे, जब तक कि इनका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए। ये देखिए, अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, ऑयल से हमें इन्हें निकाल लेना है और हमें बाकी बने बचे हुए जो बोंडा है वो भी हम इस तरीके से फ्राई करके इनको सेक लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर बनाकर देखें, आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बाकी बचे हुए बोंडा भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। हमें इसी तरीके से बाकी बचे हुए बोंडा भी फ्राई कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा ऊपर तेल लगा देंगे ताकि ये जो कढ़ाई से चिपके नहीं और ये भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकते रहेंगे। ये भी देखिए दोस्तों, ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे और हमारे चटपटे आलू बोंडा बनकर तैयार होंगे। इस बारिश के सीजन में ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, आपको डेफिनेटली ये बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे चटपटे आलू बोंडा बनकर तैयार हो गए। इसको गर्मा गर्म हम चटनी के साथ और सॉस के साथ सर्व करेंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसके साथ चाय का तो मज़ा ही आ जाता है दोस्तों। इसके साथ चाय ज़रूर पिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची भी सेक ली है, क्योंकि हरी मिर्ची से इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, तो मैंने हरी मिर्ची को भी थोड़ा तल लिया है। ये देखिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म आलू बोंडा और चटपटी हरी मिर्ची तैयार है। इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ, चाय के साथ। ज़रूर ट्राई करें, आपको ये डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे चटपटे आलू बोंडा बनकर तैयार हो गया है। इस पर मैंने थोड़ा सा अपना जो लहसुन और मूंगफली की चटनी होती है वो थोड़ा सा डाल देंगे हम, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए दोस्तों, हमारे चटपटे आलू बोंडा बनकर तैयार हो गया है हरी मिर्ची के साथ। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये डेफिनेटली दोस्तों बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।